हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एनसीईआरटी बुक क्लास सेकंड इंग्लिश का चैप्टर स्टॉर्म इन द गार्डन। हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है। देखिए, रीडिंग के बाद हमने इसका इसके न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी, लेट्स टॉक भी। टीम टाइम से हमने ये चैप्टर जो है करना है। इस वीडियो में हम टीम टाइम से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टीम टाइम से। क्या दिया हुआ है इसमें? डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ग्रुप में बैठना है और डिस्कस करना है, क्योंकि ये टीम वर्क है। और आपका टॉपिक क्या होगा डिस्कस करने का? कि जो स्नेल्स और अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये हमें बारिश के बाद ही क्यों दिखाई देते हैं? और बेटे, इसका आंसर ये है कि ग्राउंड के नीचे जब पानी भर जाता है, इनके होल्स में पानी भर जाता है, तो इन्हें बाहर आना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। देखिए आंसर दिया हुआ है, बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड्स गेट फिल्ड विद वाटर। बारिश के दिनों में उनमें पानी भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्या करना है? लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको पिक्चर देखनी है और फिर इनमें से करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ फिल करना है। वर्ड्स देख लेते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। ये सभी, इन सबको हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। इन का यूज कहाँ होता है? इन मतलब किसी चीज के अंदर, इनसाइड। ठीक है, ऑन कहाँ होता है? ऊपर। जैसे कोई बुक आप टेबल पर रख देते हैं तो बुक इज ऑन द टेबल। अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड पीछे, जैसे दरवाजे के पीछे। ओवर, ओवर भी ऊपर होता है जहां डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। जैसे बुक तो आपने उसके ऊपर रख दी थी, किसके टेबल के ऊपर रख दी थी, वहां कांटेक्ट हो गया, ऑन यूज होगा। बट अगर जैसे फैन है, वो क्या है? हमारे ऊपर चलता है, ओवर होगा वहां पे, हमारे सिर के ऊपर नहीं है, वो टच नहीं कर रहा फैन। ठीक है, तो वहां ओवर का यूज होगा। आइए देखते हैं इन पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, द कैट इज जंपिंग द वॉल। अब यहां पर कैट जो है वो वॉल के ऊपर से जंप कर रही है, टच नहीं है, तो यहां हम ओवर का यूज करेंगे, यहां आएगा ओवर। ठीक है, द कैट इज इन द बॉक्स। इन मीन्स इनसाइड। ठीक है, इसके अंदर है। ये क्या है? द कैट इज बिहाइंड द डोर। डोर के पीछे है। द कैट इज अंडर द स्टूल, टेबल के नीचे। अब यहां देखिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इसके ऊपर बैठी हुई है कैट। द कैट इज ऑन द सूटकेस। तो ऑन और ओवर दोनों का कंसेप्ट जो है, डिफरेंस जो है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, यहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स सिंग। इसे हमें रिसाइट करना है। मैं रिसाइट करके बता देती हूँ। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. ठीक है, इस तरह से आपको ये पोएम रिसाइट करनी है। After this, yes, let's practice. अब आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। देखिए, जब आप प्री नर्सरी में होंगे तब आपने देखा होगा, आपको ए बी सी डी उनको इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ता था डॉट्स के ऊपर। तो अब ये वर्ड्स हैं, कर्सिव राइटिंग में दिए हुए हैं, ये आपकी कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप इनको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पेंसिल आपकी उठनी नहीं चाहिए,
जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल एन जब एंड हो जाएगा उसके बाद आप पेंसिल उठाएंगे, उसके बाद यहाँ आप डॉट लगाएंगे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रहे। इसी तरह से जो ये ट्री है, टी पहले कंप्लीट करेंगे, आर डबल ई, अब आप यहाँ से पेंसिल उठाएंगे और फिर इस लाइन को कट करेंगे, ठीक है। तो पेंसिल बिल्कुल भी नहीं उठेगी कर्सिव राइटिंग में, बिल्कुल एंड में उठेगी। जो कोई भी आपको लाइन कट करनी है या डॉट ड्रॉ करनी है वो वर्ड कंप्लीट होने के बाद। ये ट्रिक्स होती हैं आपकी। अब हम करेंगे इसकी वर्कशीट। देखिए वर्कशीट में मैंने आपको कॉम्पिटेंसी रीडिंग के बेस पर सीन पैसेज दिया है। ये पैसेज आपके चैप्टर में से है, इसे आपको रीड करना है और फिर जो मैंने नीचे इसके बेस पर क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। आज मैंने क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल बेस पर ना देकर इसमें से जो ग्रामर पार्ट है उस पर फ्रेम किए हैं, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज जो है रीड कीजिए और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए। रीड कर देती हूँ मैं। सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स, दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम ही, दे क्लाइम्ड अंडर हिम ही, सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोस फ्लू पास्ट, का 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 का, ओह बट वे वर द एंट्स, ठीक है। सबको पता चल गया होगा फर्स्ट जो है पार्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ है ये। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट द वर्ड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी भी चीज़ को एम्फसिस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, यहाँ बेसिकली इसीलिए यूज़ किया गया है। तो देखिए ही यहाँ यूज़ किया है, ये आप लिखिए ही का, दूसरा वर्ड क्या है का, ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की हमें क्या लिखने हैं, पास्ट फॉर्म, और ये पास्ट फॉर्म आपके इस पैराग्राफ में ही है। क्लाइंब, क्लाइंब का हो जाएगा क्लाइंड, ग्रो ग्रू, पुल पुल्ड, फ्लाई फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सेंटेंस विद क्वेश्चन मार्क साइन फ्रॉम द पैसेज। अब आपको क्वेश्चन मार्क साइन से सेंटेंस देखना है कौन सा एंड हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है, ओ बट वेयर वर द एंड्स, क्वेश्चन मार्क आया, ये सेंटेंस ही आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज फॉर लाइट। अब हम लाइट ढूंढते हैं कहाँ है, उसके लिए क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुआ है, ये देखिए लाइट, लाइट के लिए क्या, ग्रेट वाइट, ठीक है। तो ये वर्ड हम लिख देंगे, लाइट कैसी थी, ज़्यादा बहुत कड़क थी और वाइट थी, तो ये वर्ड हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा सीन पैसेज कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। अब ये जो एनिमल्स हैं इनके होम्स दिए हैं मैंने इस साइड में, आप बताइए कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। रैबिट बुरोज, लायन केव्स, स्नेक्स होल्स, मंकीज ट्रीज, ठीक है। इस तरह से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट, एनसर्कल द एनिमल्स। आपको इन एनिमल्स पर सर्कल ड्रॉ करना है, किस तरह के एनिमल्स होने चाहिए, दैट वी सी आफ्टर रेन्स, जो आप बेसिकली रेन्स के बाद देखते हैं। तो देखिए लिजर्ड, लिजर्ड तो रहती हैं, स्नेल्स, हाँ इसको एनसर्कल कीजिए, मंकी, मंकी ऐसा नहीं है कि हमें रेन्स के बाद दिखाई देते हो, अर्थवर्म, यस ये रेन्स के बाद दिखाई देता है, इसे भी सर्कल कीजिए, रैबिट, रैबिट नहीं, स्नेक,
स्नेक भी हमें रेंज के बाद दिखाई देते हैं। रीजन वही है कि इनके जो होम्स हैं वो वाटर से फिल हो जाते हैं, तो इन्हें बाहर आना पड़ता है, तब ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट लिव्स इन होल, जो होल्स में रहते हैं, बिल बना के रहते हैं। तो आइए देखते हैं, माउस, यस, चूहों का भी बिल होता है, इसको सर्कल कीजिए। डॉग्स, नहीं डॉग्स का नहीं, स्नेक, यस, स्नेक्स का भी बिल होता है, होल में रहते हैं ये। एंट्स, यस, इसे भी सर्कल कीजिए। कैट्स, कैट्स को रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ डिडंट, डोंट, इजंट एंड आरंट। ये भी मैंने आपके पैराग्राफ में से ही दिया है, इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है। क्या फुल फॉर्म्स होती हैं? डिड नॉट, यहाँ लिखेंगे डिड नॉट, नॉट को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, डोंट क्या हो जाएगा? डू नॉट, यहाँ लिखिए। इजंट इज नॉट, आरंट आर नॉट। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आप को मैं एक्टिविटी शीट दे रही हूँ, देखिए एक्टिविटी शीट में क्या करना है, ड्रॉ द शेल ऑफ टॉर्टोइस एंड स्नेल। शेल ड्रॉ करने हैं आपने, टॉर्टोइस का शेल यहाँ ड्रॉ करेंगे, स्नेल का यहाँ। शेल क्या होता है? कवरिंग पार्ट ऑफ द एनिमल, जो इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों के शेल्स आपको ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ रेप्टाइल्स, आपको कुछ रेप्टाइल्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, स्नेक, स्नेक रेंग कर चलता है, लिजर्ड, ठीक है, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज, एलिगेटर्स हो गए आपके, क्रोकोडाइल्स हो गए, कैमलियन हो गए, गिरगिट को बोलते हैं कैमलियन। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी फोर पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज वर्कशीट एंड एक्टिविटी शीट ऑफ द चैप्टर स्टॉर्म इन द गार्डन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।